वरुण गांधी क्या बीजेपी की जीत से खुश नहीं हैं? योगी मोदी को क्यों नहीं दी बधाई? ट्विटर पर वरुण गांधी ने नहीं किया ट्वीट। पीलीभीत से बीजेपी सांसद हैं वरुण गांधी। भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी ही बीजेपी सरकारों पर सवाल उठाते रहे हैं। जो बातें पार्टी की मीटिंग में होनी चाहिए उनको लेकर वरुण गांधी ने मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया। वहीं 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए दोबारा सरकार के लिए बहुमत जुटाया है, परंतु वरुण गांधी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट करके योगी मोदी को बधाई दी है। ट्विटर पर खासा एक्टिव रहने वाले और सरकारों को आईना दिखाने वाले वरुण गांधी का 6 मार्च के बाद कोई ट्वीट नहीं है। इसी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म होने लगी है। क्या बीजेपी की प्रचंड जीत वरुण गांधी को अच्छी नहीं लग रही है? और अगर अच्छी लग रही है तो उन्होंने अभी तक बीजेपी को और योगी मोदी को बधाई क्यों नहीं दी है? बता दें, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कालाबाजारी, किसान आंदोलन, किसानों के धान खरीद में धांधली, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर वरुण गांधी ने बीजेपी की मोदी और योगी सरकार को समय समय पर आईना दिखाने का काम किया है और कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है, मगर चुनाव में जनता ने सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ पर दोबारा विश्वास जताते हुए प्रचंड बहुमत दिया है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता ने अपना जनादेश फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे दिया है। मगर वरुण गांधी को भले ही शिष्टाचार के नाते योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को बधाई देना तो बनता ही है। उनके बधाई और शुभकामनाएं नहीं देने के कई कयास राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। फिलहाल तो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में सरकार के गठन में व्यस्त हैं, तो पीएम मोदी गुजरात में होने वाले चुनावों की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी किस करवट बैठते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी तो पीएम और मोदी का टाइम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।